हेलो, अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं अपना फर्स्ट व्लॉग शूट करने वाली हूँ। तो मेरे चैनल का नाम है बुलबुल कुकिंग कॉर्नर, जो कि मेरी बेटी के नाम पे है। तो आप सब लोगों की मुझे बहुत सारी सपोर्ट की ज़रूरत है, तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करिएगा कि मैं अपने कुकिंग चैनल को आगे लेके जा सकूँ। तो आज मैं आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ अचार गोश्त की रेसिपी। तो मेरे साथ रहिएगा, चलते हैं, मैं आप लोगों को अचार गोश्त की रेसिपी बताती हूँ। जी, तो जो चीज़ें हम उसमें यूज़ करेंगे मैं आपको वो बता देती हूँ। ये मटन है, ठीक है, ये है तकरीबन आधा पाव, क्योंकि ये मैं बना रही हूँ दो पर्सन के हिसाब से, ठीक है। तो ये आधा पाव जो है ना हमारे पास मटन हो गया है। ये मैंने थ्री मीडियम साइज़ के मैंने टमाटर लिए हैं, ठीक है। और ये मैंने अचार गोश्त का मसाला बनाया है, ठीक है। इसके अंदर मैंने डाला है दो चमचे लाल मिर्च, हसबे ज़रूरत नमक, हल्दी मैंने इसमें डाली है, इसमें डाला है मैंने धनिया, सौंफ, मेथी दाना से टेस्ट बहुत अच्छा आता है इस मसाले का, ये देख सकते हैं आप। इसके अंदर मैंने डाली है कलौंजी, तेज़पात, दालचीनी, कबाब चीनी इसके लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है। इस रिसेप्ट के लिए कबाब चीनी से बहुत अच्छा टेस्ट निकल के आता है। काली मिर्च और छोटी इलायची, ठीक है। तो ये मैंने इससे ये मसाला तैयार कर लिया है। इसी मसाले से मैंने ये हरी मिर्चें भर ली हैं, ठीक है। अब हम कुकिंग स्टार्ट करते हैं। पैन में मैंने तेल ले लिया है, ठीक है। अब मैं आपको आगे बताती हूँ। हमने ठीक है तेल में हम डाल लेंगे लहसुन अदरक, ठीक है, लहसुन अदरक का 1 टेबल स्पून लहसुन और 1 टेबल स्पून अदरक। तो ये लहसुन अदरक डाल के मैंने इसमें डाल दिए दही। तो ये मैंने इसके अंदर 1/2 कप दही डाल के उसके बाद ये जो मसाला था जो हमने तैयार किया था अचार गोश्त का, ये डाल देंगे। उसको डाल के अच्छा सा जो है ना उसको थोड़ा सा भून लेंगे, ठीक है। मैं इसको भून रही हूँ। तो ये जो भून रहा है इसी के अंदर हम डाल देंगे ये जो हमने मेरा मटन था, ठीक है। और इसको भी इसी के साथ अच्छा सा भून लेंगे जब तक इसका कलर चेंज हो जाए, ठीक है। ये देखिए, ये सब कुछ अच्छे से भून गया है। अब हम इसके अंदर डाल देंगे पानी अपना गोश्त गलने का, ठीक है। मैंने इसके अंदर डाला है 1 कप, आप अपने गोश्त के हिसाब से डालिएगा, ठीक है। अगर ज़रूरत हो तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं अगर आप बड़े के गोश्त में बना रहे हैं। मेरा ये मटन में था तो मुझे लगा कि इसके लिए इतना काफ़ी है और ये इसमें गल जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये जो इसके अंदर आपको साबुत सौंफ और साबुत चीज़ें नज़र आ रही है, इसकी आपको टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। लास्ट में ये सब कुछ आपको कुछ नज़र नहीं आएगा, सिर्फ टेस्ट आएगा, ठीक है। तो मिलते हैं हम 1/2 आवर में। जी, तो अब इसको रखे हुए 1/2 आवर हो चुके हैं। अब हम देखें इसको, ये गोश्त जो है पानी भी इसका खुश्क हो गया तकरीबन, और ये जो गोश्त है ये भी, जी तो ये भी गल चुका है 80%। इसमें बस ये 20% बाकी है। अब हम क्या करेंगे, इसमें जो हमने अपने टमाटर कट किए थे 3 मीडियम साइज़ के, वो हम इसमें डाल देंगे। तो जो इसकी जो कसर है वो बाकी इन टमाटरों में, टमाटर जो पानी छोड़ेगा उसमें ये पूरा हो जाएगा, ठीक है। तो टमाटर डाल के हम इसको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे, ठीक है। और अब हम इसको ढक देंगे मीडियम आंच पे, ठीक है। मीडियम जो है इसका रखेंगे और इसको हम रख देंगे दोबारा 15 मिनट्स के लिए, जब तक ये टमाटर भी घुल जाएंगे और जितनी गोश्त में कसर है वो भी पूरी हो जाएगी, ठीक है। तो मिलते हैं 15 मिनट्स बाद। जी, तो 15 मिनट्स हो गए, अब हम इसको चेक करते हैं। बहुत मज़े की खुशबू आ रही है इसमें से, और ये देखें टमाटर अच्छी तरह घुल चुके हैं पूरे, बहुत अच्छे से टमाटर इसके अंदर ना घुल गए। अब हम क्या करेंगे, गोश्त भी हमारा को पूरा गल चुका है, ठीक है। आप इसकी बोटियों के साइज अंदाज़ा लगा सकते हैं, छोटी छोटी हो गई है, फुल गल गया ये। अब हम इसमें क्या करेंगे, ये जो हमने हरी मिर्चें भुनी थी, हरी मिर्चें भरी थी मसाले की, ये हम इसके ऊपर ऐसे इसको रख देंगे, और अब हम इसको ढक के 10 मिनट इसको दम देंगे और फिर ये तैयार है डिश आउट करने के लिए। ये देखें, अब ये अच्छे से जो है ना भुन चुका है, देखें तेल ऊपर आ चुका है, पानी खुश्क हो चुका है, हरी मिर्ची भी गल चुकी है। अब हमें इसको प्लेट आउट करके आपको दिखा, तो इसका टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त है, मैंने इसको टेस्ट किया है। तो अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी पेज को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और शेयर करिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।